तो आज के इस वीडियो में मैं पांच बेहतरीन फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूं जो कि सितंबर महीने में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस के बारे में। तो इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, और इसमें 8 GB का रैम और पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 50 MP, 8 MP और 2 MP का रहने वाला है। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो आगे की तरफ हमें 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी और 80 W का चार्जर हमें इसमें देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 इंचेस का डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसकी प्राइस रहने वाली है 43,000 के अराउंड में हमें ये देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फोन हमारा IQ की तरफ से आ रहा है, IQ Neo 6 SE। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 870G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं रैम की, तो इसमें 8 GB का रैम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पीछे की तरफ हमें ट्रिपल रियर कैमरा जो कि 64 MP, 8 MP और 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 MP का फ्रंट का कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो इसमें 4700 mAh की बैटरी और 80 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं Realme GT Neo 3T का फीचर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेसर का बात करते हैं, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 870G का प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। 8 GB का रैम इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है फ्रेंड्स जो कि 64 MP, 8 MP और 2 MP का रहने वाला है। फ्रंट की तरफ बात करें तो 16 MP का सिंगल फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और 80 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करें तो 6.62 इंचेस का डिस्प्ले विथ एमोलेड स्क्रीन के साथ मिल जाता है फ्रेंड्स, और इसका प्राइस रहने वाला 36,500। IQ से दोनों सेम ही है, बस इसमें प्राइस का फ़र्क है, रियलमी में थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, तो कोई नहीं। तो नेक्स्ट फ़ोन हमारा OPPO Find X5 Pro रहने वाला है। तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Plus फर्स्ट जनरेशन का इसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, और इसमें हमें 8 GB का रैम देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और बात करते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा जो कि 50 MP, 50 MP और 13 MP का रहने वाला जो कि बहुत ख़तरनाक रहने वाला है। फ्रंट कैमरा 32 MP का फ्रंट कैमरा हमें इसमें देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी और 80 W का चार्जर इसमें हमें देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। बात करते हैं स्क्रीन की, तो 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें हमें एमोलेड साथ ही साथ मिल जाता है फ्रेंड्स। बात करते हैं प्राइस की, तो ये हमें एक, तो नेक्स्ट फ़ोन हमारा वीवो एक्स फोल्ड फ़ोन रहने वाला है जो कि फोल्डेबल फ़ोन रहने वाला है भाई। तो इसमें बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 8 Plus फर्स्ट जनरेशन का इसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं रैम की, तो इसमें 12 GB का रैम देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ हमें क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स जो कि 50 MP, 48 MP, 12 MP और 8 MP का रहने वाला है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आगे की तरफ 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें हमें 4600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें हमें 66 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले रहने वाला है, 8.23 इंचेस का डिस्प्ले रहने वाला है क्योंकि ये फोल्डेबल फ़ोन है, तो ये काफ़ी डिस्प्ले बड़ा रहने वाला फ़ोन है। बात करते हैं स्क्रीन, तो इसमें ये हमारा अपकमिंग 5 बेस्ट फ़ोन रहने वाला है फ्रेंड्स। सितंबर महीने में ये लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं लॉन्च जब हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है ये पाँचों। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू फ़ोन का आपको रिव्यू यहाँ पर मिलता रहे। और आपको मैं बताऊँगा कि बढ़िया फ़ोन आपको अगर लेना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कौन सा फ़ोन लेना है।